ऑर्डर कैंसिल करवाने के 10 मिनट बाद ही जो है आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, आईडी जो है मेरा सस्पेंड कर दिया। आपकी आईडी आज भी बंद हुई थी 1252 को, तो आपने पहले पोर्टल में कम्प्लेन रजिस्टर किया था? हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए आपकी आईडी बंद हुई थी और अभी आपको फिर से चालू करवानी है, राइट? हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है संतोष जी, यहाँ से मैं आपका जो कंप्लेन है वो हाईलाइट कर देती हूँ, तो हमारी टीम चेक करके उसको वर्क करेगी और हमारी टीम से जो सामने से कॉल आ जाएगा, तब तक के लिए सर प्लीज़ वेट कर सकते हो सर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:40 और अभी हूँ मैं, ये बुधपुर नांगली पूना इस साइड है और मैं जा रहा हूँ अभी अलीपुर, और ये ऑर्डर है बैग में आ गया। ये ऑर्डर है दोस्तों, ये छोटा सा एक थैली है जिसे मैं बैग में ही जो है डाल दिया हूँ, और ये ऑर्डर है 167 का, यानी 167 रुपये का ऑर्डर है जिसमें कि 20 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट मिला है पोर्टर की तरफ से। तो 20 रुपये यानी समझ लो आप ऑनलाइन पेमेंट है, वो पोर्टर की तरफ से मिलेगा मुझे, और 147 रुपये मुझे कैश कलेक्ट करने हैं। और रूट जो है इसका 15 किलोमीटर का रूट है यार, कुछ दिया ही नहीं, मतलब 10 रुपये पर किलोमीटर भी नहीं मिला, 15 किलोमीटर का रूट है और 167 रुपये का ऑर्डर है जिसमें अगर कमीशन देखे तो 32 या 33 रुपये के आसपास कमीशन कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस ऑर्डर को करते हैं हम डिलीवर। पहला ही ऑर्डर है, 10:30 मैं निकला था घर से और 11 जो है ये ऑर्डर मुझे मिला है। तो चलिए दोस्तों अब इस ऑर्डर को करते हैं डिलीवर फटाफट से अलीपुर में, यादू ग्रीन से इसी रोड पर ये लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों मैं तो पहुंच गया हूं लोकेशन पे और कस्टमर कह रहा है अभी मैं बाहर हूं, 10-15 मिनट और लगेंगे, बकोली में है, तो वेट करते हैं कस्टमर का। तो दोस्तों वहां पर जो है मैंने ऑर्डर दे दिया, उसके 15 मिनट बाद जो है मेरे पास ये वाला ऑर्डर आया, आप देख सकते हो 298 रुपये का ऑर्डर है और ये देना था सदर बाज़ार का ऑर्डर था, लेकिन जब मैं पिकअप लोकेशन पे गया तो 10 मिनट बैठाया उसके बाद जो है मेरे पास ऑर्डर लाया कि भैया ये ऑर्डर है, ये आप साइड में देख सकते हो, ओवर साइज प्लस में ओवरवेट। तो मैंने जो है फिर कस्टमर से बोला कि मैं नहीं ले जा पाऊँगा, आप कैंसिल कर दो इसे, कह रहे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा, आप इसे कैंसिल कर दो। तो उसने, मैं बोला कैंसिल कर दो, 10 मिनट हो गए लेकिन ऑर्डर जो है कैंसिल नहीं हुआ। फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसने काट दिया। फिर मैंने कस्टमर केयर में यानी पोर्टर सपोर्ट से जो है ऑर्डर को कैंसिल करवाया। ऑर्डर कैंसिल करवाने के 10 मिनट बाद ही जो है आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, आईडी जो है मेरा सस्पेंड कर दिया। अब ये किस वजह से किया है ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। जैसे ही आईडी सस्पेंड हुआ तो मुझे लगा कि ऑर्डर कैंसिल करवाने की वजह से जो है आईडी मेरा सस्पेंड हुआ है। फिर मैंने देखा तो यहाँ लिखा हुआ था ड्राइवर लेफ्ट एंड ऑनर फाइंड टू अ न्यू ड्राइवर, तब मुझे समझ में आ गया कि आईडी जो है वो किस वजह से सस्पेंड हुआ है मेरा। तो ये जो है मैं आपको पूरा बताता हूँ कि किस वजह से हुआ है। तो दोस्तों बात ये कि मेरा ये जो आईडी है वो जिप इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है उसके थ्रू ये मेरा आईडी बना हुआ है। अभी मैं अलीपुर में ही हूँ और टाइम हो रहा है अभी करीब 1:48 और तब से मैं अपनी आईडी को ओपन करवाने में ही लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो है कस्टमर केयर से भी मैंने बात किया है, वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा। बात यह है कि मेरा जो आईडी है वो जिप कंपनी के थ्रू बना था, जिप कंपनी के थ्रू जो है मेरा आईडी बना था और मैं उसमें जब तक काम कर रहा था आईडी चल रहा था, और अभी भी मुझे 1.5 महीने हो गए अभी तक जो है आईडी चल रहा था। इसके बाद कंपनी वालों ने क्या किया है कि जो काम नहीं कर रहा है उसका आईडी जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं और उस स्कूटी के थ्रू जो है नई आईडी बनवा के दे रहे हैं, यानी जो बंदा काम कर रहा है उस स्कूटी से उसका आईडी जो है बना रहे हैं, बाकी और जो पहले छोड़ चुके हैं उनका आईडी जो है सस्पेंड कर रहा है। मेरे साथ जो है एक अंकल जी और करते थे, उनका भी आईडी सस्पेंड हुआ है, मैंने एक और लड़के को लगवाया था उसका भी आईडी सस्पेंड हुआ है इसी कारण से, और सेम टाइम पे ही जो है आईडी सस्पेंड हुआ है। अभी अभी जो है मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो भी कह रहे कि मेरा भी आईडी जो है पोर्टर की सस्पेंड हो गया है। फिर जो है मैंने पोर्टर के TL से भी बात किया तो कह रहे कि भाई अगर EV लेते हो दोबारा तो फिर से जो है चालू हो जाएगा, वरना चालू नहीं होगा। फिर मैंने जो है पोर्टर सपोर्ट में बात किया, सीनियर डिपार्टमेंट में भी बात किया, तो कह रहे कि आपको जो है फ़ोन आ जाएगा थोड़ी देर में, आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। ऑर्डर का क्या हुआ है बोलिए। सर उसमें ओवरवेट था, ओवर साइज था, ठीक है सर। हाँ
जी कस्टमर से मैंने बोला ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। हाँ तो 10 मिनट तक मैं वेट किया, और एक तो वहाँ पे जाके मैंने 15 मिनट वेट किया, फिर मुझे ऑर्डर दिखाया कि ये ओवरसाइज है, ओवर वेट है, फिर मैंने कैंसिल करने को बोला तो 10 मिनट तक कैंसिल नहीं किया, फिर मैं पोर्टर सपोर्ट से कैंसिल करवाया हूँ ऑर्डर को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर सस्पेंडेड, ड्राइवर लेफ्ट एंड ओनर टू फाइंड अ न्यू ड्राइवर। ओके तो ये क्यों हुआ है बता सकते हो? हाँ जी, इधर आपका मैनुअल ही कोई सस्पेंड किया है, आपका आईडी दिखा रहा है, ठीक है, ड्राइवर लेफ्ट ओनर टू फाइंड अ न्यू ड्राइवर ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। देखिए आप एक काम कीजिए, आपका ये मैं सीनियर के पास भेज दिया है, आप एक बार आपका जो ऑफिस है ऑफिस में जाके संबंध कीजिए, एक बार ऑर्डर का ऑफिस में जाके। सर ऑफिस तो दूर है, किस कारण हुआ है बता सकते हैं? हाँ वही दिखा रहा है कि आपका मैनुअल सस्पेंडेड दिखा रहा है कि ड्राइवर लेफ्ट एंड ओनर टू फाइंड ए न्यू ड्राइवर, ऐसा मतलब ओनर न्यू ड्राइवर असाइन किया इसलिए ऐसा कुछ सस्पेंड हुआ है, ठीक है। आपका आईडी मैनुअल सस्पेंड किया है एक किसी ने, तो आप एक काम कीजिए, नहीं तो 10-15 मिनट वेट कीजिए, मैं इसको सीनियर के पास भेजा है, आपको पोर्टर की तरफ से कॉल आएगा, ठीक है, वो कॉल उठा लेना, आपका जो प्रॉब्लम है उन्होंने सॉल्व कर देगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू पोर्टर में कॉल करने के लिए, धन्यवाद, आपका कॉल मैं आईवीआर में ट्रांसफर करूं, प्लीज तो दोस्तों रिकॉर्डिंग आपने सुनी लिया होगा, मैंने जो है पूरा पोर्टर सपोर्ट से पूरा जो है बात किया टीम से कि कब तक हो जाएगी चालू, तो उन्होंने बोला कि आपको जो है कॉल आ जाएगा और वहां पर जो है आपको बता दिया जाएगा जब कॉल आएगा तो कि आपका आईडी कब चालू होगा। और मैं बता देता हूं कि मेरा जो आईडी है ये उसके आरसी उस स्कूटी के आरसी के थ्रू जो है बना था, और अब मेरा ये आईडी तभी चालू हो सकता है जब मैं अपनी बाइक की आरसी लगाऊं, लेकिन मेरा बाइक जो है अभी नया है, इसका आरसी अभी तक नहीं आया है, टेम्परेरी आरसी से ही जो है मैं अभी चला रहा हूँ। ये मेरे पास जो है सिंगल ऑप्शन था, यानी यही एक ऑप्शन था जिससे जो है मैं अर्निंग कर सकता था और वीडियो बनाकर जो है आप सभी को बता सकता था। मेरे पास उसकी बोर्जो की आईडी है और पोर्टर की आईडी और जोमैटो की आईडी, यही 3 आईडी अभी मेरे पास, ओला उबर रैपिडो की आईडी नहीं है, और जोमैटो में जो है अभी उसमें भी मेरा आईडी सस्पेंड है, तो एक बचा पोर्टर बचा था तो पोर्टर में भी सस्पेंड हो गया, अब बचा हुआ है बोर्जो, तो बोर्जो में काम करने का मन करता नहीं, तो कल से जो है देखेंगे हम बोर्जो में काम करेंगे जब तक जो है आईडी एक्टिवेट नहीं हो जाता मेरा पोर्टर का। और अगली वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कब तक जो है आईडी एक्टिवेट हो रहा है, और मैंने जो है उबर का भी आईडी अब बना रहा हूँ, उबर का आईडी बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं बीच बीच में जो है उबर और बोर्जो करूँ। तो दोस्तों अब मैं वेट करूँगा पोर्टर से कॉल आने का, और जो भी बातचीत होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है आईडी से रिलेटेड, कि आईडी चालू होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी मैं अलीपुर में ही हूँ और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर, मूड ख़राब हो गया है और घर जाऊँगा, और कल से ही जो है अपना काम स्टार्ट करूँगा मैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे अगली वीडियो।